स्थितियों के माध्यम से रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों के माध्यम से, लेकिन सब में प्रेम छुपा होता है और सब में छुपी होती है कहीं न कहीं एक जीने की ललक, और सबके अंदर चाहे वो किसी भी परिवेश के लोग हों, जिसको ABCD बोलते हैं ना कि लोअर क्लास, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेट। तो ये फिल्म जो है एक पीढ़ी, जिस तरीके से एक परंपरा है, जिसमें आज 2016 हम लोग बोलते हैं होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज, जब पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग इस फिल्म के माध्यम से देख पाएंगे कि 2016 में भी भारत कैसा है और कैसा दिखता है और कैसे जीता है, ये उसको दिखाती है। और इसमें मधु का कैरेक्टर जो है उसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। हम यशपाल भाई, मुश्ताक भाई, जितने भी हमारे को आसपास आर्टिस्ट हैं, हम सब कहीं कहीं उस लड़की के आसपास सब सपोर्टिंग भूमिका में हैं और कोशिश की है कि आपको ये फिल्म पसंद आए। बाकी तो जब फिल्म आप देखेंगे तो नंबर देने का आपको पूरा अधिकार है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये इसके जो प्रोड्यूसर हैं हमारे मुद्रा साहब और पीयूष बाबू, ये मुझे लगे ही नहीं ये प्रोड्यूसर है। जब हम फिल्म बना रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी प्रोड्यूसर की फिल्म नहीं बना रहे, अपनी खुद की फिल्म बना रहे। इन लोगों के जिस तरह के वहाँ के हालात थे और जिस तरह इन्होंने हमको वेलकम किया है और जो इनका एटीट्यूड था और जिस तरह से इन्होंने हमको रिसीव किया और जिस तरह वहाँ रखा शूटिंग में, मुझे बहुत अच्छा लगा।
सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये रहा कि ये जो बुंदेलखंडी फिल्म है, मैं खुद मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए ये एक बड़ी खुशी की बात थी कि हम वहीं के रहने वाले हैं और बुंदेलखंड, और मैंने बहुत कोशिश की है कि इसमें उस भाषा का मैंने इस्तेमाल किया है। मेरे एक दोस्त है, उनको वहाँ आ गए थे, राजू दादा झुक जा। तो जो भी करेक्टर को जीने की कोशिश की है, और सबसे अच्छी बात जैसे कि अभी राजपाल ने बताई दिया, और ये फिल्म को देख कर ही आपको लगा कि इसकी कहानी क्या है, किस तरह से एक जर्नी है एक लड़की की क्या होता है, और इसमें रियलिटी बहुत है, और खास करके इसमें फोक का जो इस्तेमाल किया है सॉन्ग का, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मैं और उसमें जो कलाकार हैं सारे के सारे, मतलब इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कला इसमें दिखाई है, राजपाल तो है ही हैं, यशपाल हैं, और हमारे अपने क्या नाम उनका, एहसान खान, एहसान भाई हैं, और सब सारे अच्छे कलाकार हैं, दू हैं, मिलिंद गुणाजी हैं, या तो ये सारे कलाकार बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। तो इन्होंने कलाकारों का जो चयन किया है, जो सिलेक्शन हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है। और सबसे खुशी की बात मुझे जब मैंने व्हाट्सएप में ये मैसेज देखा कि इसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, तो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी आई एम सॉरी टू से बट काफ़ी लंबा अरसा हो गया, हमने जब इसको शूट किया था भोपाल में तो थोड़ा सा मैं भूल सा गया था, और लेकिन मैं हमेशा जहाँ भी मुझे बात करनी होती थी सिनेमा की, और जब इंटरव्यू होता था या कहीं भी कुछ बात होती थी कि आप क्या क्या फिल्में कर रहे हैं, तो मैं इस फिल्म का नाम ज़रूर लेता था, और ये मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। क्या बात है, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ फिल्में आपके जीवन में ऐसी होती हैं जो छू जाती हैं, जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं। बहुत सारी फिल्में करते हैं, नाम तक भूल जाते हैं कि कौन सी फिल्म की है कौन सी नहीं, खास करके बड़ी बड़ी फिल्में हमको याद आती है, बड़े बैनर की फिल्में और बड़े स्टार्स के साथ फिल्में, तो वो फिल्मों को हमने ज़्यादा जिक्र किया, लेकिन ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस फिल्म का मैं हमेशा नाम लिया करता था, क्योंकि जब मैं शूटिंग कर रहा था तो मुझे बहुत ही मज़ा आया था, क्योंकि एक रियल कहानी थी और बड़े अच्छे लोग थे इसके प्रोड्यूसर। तो मेरी पूरी दुआएं हैं इस फिल्म के साथ, और मैं चाहूँगा, यही कामना करता हूँ कि ये फिल्म, और बड़ी खुशी की बात है कि ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। बड़ा मुश्किल होता है, एक प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाता है, इतनी मेहनत, इतना पैसा लगता है, और उसके बाद इतनी सारी ऐसी फिल्में हैं जो पर्दे का मुँह नहीं देख पाती, लेकिन एक टिकट बम्बई, ये टिकट मिल गई है इसको, ट्रेन चलेगी और जरूर चलेगी और अपनी मंजिल तक पहुंचेगी, ये उम्मीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मुश्ताक भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं तहे दिल से इस बात का सपोर्ट करता हूं कि जब पहली बार ये स्टोरी हमारे पास आई तो मैंने पूछा, हमें ये फिल्म क्यों बनाना चाहते हो आप? आज कॉमर्शियल फिल्मों का इतना लैविश तरीके से फिल्मों का ज़माना है, और ऐसी फिल्मों पे रिस्क लेना, आपको अपने तन मन धन से इसकी सेवा करना, तो वाकई बधाई के पात्र हैं मुद्रा फैमिली पूरी, के साहब और उनके बेटे पीयूष साहब, इन लोगों ने जिस इज्जत से हम कलाकारों को भोपाल में रखा, और जितने ऐसा लग रहा था कि इस हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे फिल्म बजरंगी भाईजान बन रही हो, और पूरा परिवार एक एक कलाकार के खाने से लेके पीने से लेके बैठने से लेके, मुद्रा साहब इतने सीनियर हैं, इतना रिस्पेक्ट है भोपाल में, लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म की बैकबोन बनके हमने इनको दौड़ते हुए देखा, वाकई ऐसी बधाई की बात है, और मैं हृदय से चाहता हूँ कि ये फिल्म चले, क्योंकि इस परंपरा को लाके देश के सामने रखना, और क्या क्या अंदर लड़कियां झेलती हैं, किस तरीके से वो बाहर अपने सपनों को पाने के लिए क्या क्या अपनी दुर्दशा करवाती हैं, उसको एक बहुत ही सिनेमैटिक उसके साथ में एक इल्यूजन के साथ पेश करना, ये हिम्मत का काम है, और मैं इस परिवार का सच में शुक्रगुजार हूँ कि इस तरीके की अगर जो सोच रखने वाले लोग होंगे तो 100% सिनेमा 3D हम लोग बोलते हैं, तो बड़ा कॉमर्शियल सिनेमा भी चलेगा, और ये इस तरीके का सिनेमा भी कॉमर्शियल का रिस्पेक्ट पा जाएगा, क्योंकि इस तरीके के अगर लोग अपने देश में धीरे धीरे कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों को बनाने की का बीड़ा उठा लेंगे, बधाई के पात्र हैं। एक बार ये भाई ने बोला कि बचपन से हम देखते थे इनकी फिल्में, तो मुझे ऐसा लगा साला आज मुझे एहसास हुआ मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन चिंता मत करो, हॉलीवुड कहता है कि 40 साल के बाद एक्टर एक्चुअली पढ़ाई लिखाई से निकल के और 10 साल की जिंदगी देख के एक्चुअली जवान होता है, तो अभी तो हम जवान हुए हैं। सर
ये जवानी और बचपने का जो दौर है पता नहीं कहाँ आपने बचा के उसको दबा के रख दिया है, वो दिखता ही नहीं आपके बाल अभी तक सफेद नहीं हुए हमारे हो रहे हैं। क्या बात, सही बात हो रहा है सर, आज से मैं आपको फॉलो करने वाला हूँ। सर मारती बड़ू भाई को नाम एक फिल्म की थी मैंने जब मैं नया आया था बॉम्बे, समर श्याम बेनेगल की थी, और सागर के पास शूटिंग थी और सच्ची कहानी थी, बेड़नी बेड़नी उसमें थी काफी। जैसे ही मुझे ये फिल्म का ऑफर मिला तो मुझे मैंने उस फिल्म से कनेक्ट किया और मैंने जाना, क्योंकि उस वक्त रघुवीर यादव, सीमा विश्वास, अजित कपूर, काफ़ी सारे लोग बेड़नी का डांस भी कर रहे थे, दीपा दत्ता वगैरह, और हम उस बारे में जान भी रहे थे, तो बड़ी जिज्ञासा थी कि कौन है क्या है। तो इस फिल्म में, क्योंकि वो बेड़नी के ऊपर नहीं है फिल्म, लेकिन ये फिल्म बेड़नी और उस माहौल के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि जैसे पीयूष भाई और इनके फादर जो हैं मुंडरा जी, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि हो सकता है बोलते हुए फंबल कर जाएं, हो सकता है इनका फिल्म रिलीज करने का तरीका वैसा ना हो जैसा यशराज का या और फिल्मों का होता है, लेकिन इनके दिल में कहीं भी एक प्रकार की भी वो नहीं है, बहुत इतने साफ सच्चे दिल के लोग हैं ना, क्योंकि कमर्शली जैसे ही मैं, क्योंकि मैं, मेरा तो बेस्ट अपीयरेंस है इसमें, रोल बहुत बड़ा नहीं है, तो जैसे ही मैं नीचे पहुंचा तो मैंने भी उससे पूछा मेरा रोल क्या है, इसमें नाम क्या था, मुझे बता दो, तो क्योंकि मुझे सच में नहीं याद है, मतलब हैट्स ऑफ टू मुश्ताक भाई कि उन्होंने बोल दिया कि हर जगह उनका नाम लेता हूँ, पर मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं था कि इतने, क्योंकि मेरे साथ कई टाइम हो गया था, तो मैंने पूछा मेरा रोल क्या है, फिर मुझे पूरा याद आ गया, जैसे मैंने बताया कि ऐसे पूरा याद आ गया, अच्छा ये वो वाली फिल्म ट्रेडने वाली। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजों पर फिल्म बनाते हैं, मेरे ख्याल से ये श्याम बेनेगल जी की होगी, तो उसके बाद से तो और कोई फिल्म नहीं बनी, पहले का मुझे पता नहीं, उसके बाद से तो और कोई फिल्म बनी, अभी तो ये फिल्म बनी है, और हमारी सबकी दिली तमन्ना है, क्योंकि इतने इतने सीधे सच्चे लोग हैं, ये बिल्कुल सही ईमानदारी तरीके से रिलीज करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों का भी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव सहयोग चाहिए, क्योंकि बजरंगी भाईजान को तो आप करते ही होंगे हमेशा, वो तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे बजरंगी हैं जो गांव में या छोटे छोटे शहरों में हम रहते हैं, तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील कर पा रहा हूँ इन दिनों, क्योंकि मैं पंजाबी की कुछ अच्छी फिल्में और हरियाणवी की कुछ अच्छी फिल्मों की शुरुआत भी जुड़ा हुआ हूँ अभी, तो मैं जानता हूँ रीजन में लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है, उनको फिल्म हॉल नहीं मिलते हैं, उनको सिनेमा हॉल मिलने के लिए भी लड़ाई करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बाकी है, फिल्म बनाना बहुत ईजी है लेकिन रिलीज करना बहुत मुश्किल है, और हैट्स ऑफ टू यू कि आप रिलीज कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, और राजपाल ने इसमें काम किया है, राजपाल ने सही बोला एक बात, ये एक लड़की की कहानी है, एक लड़की की जीवन की वो है यात्रा है, और उस यात्रा में राकेश जी नमस्कार, वसीम भाई अरे वसीम उसी की कहानी है, अरे गार्डन थोड़ा सा वो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इस फिल्म को मेरे ख्याल से एक कमाल की एक स्टोरी है। अरे थैंक यू सो मच सर, एक बार जोरदार तालियां, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये फिल्म जो है आप लोग जरूर देखें, क्योंकि ये सच्ची घटनाएं जो होती हैं आम जीवन में, गांव में, आज भी जो जो औरतें जिस चीज से जूझ रही हैं, जो संघर्ष कर रही हैं, बेड़नी समाज की औरतें, उनके संघर्ष की कहानी है, और उनके क्या इस फिल्म में एक तरह से सबका ही संघर्ष दिखाया गया है, हर इंसान अपने अपने अपनी अपनी जगह पर किस तरह से संघर्ष कर रहा है वो इसमें दिखाया गया है, आप लोग ये फिल्म जरूर देखें, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीयूष सर, केके सर, अरविंद सर, डायरेक्टर जो है वो अभी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं सारी टीम की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी, थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके, मेरी पहली फिल्म है, तो थैंक यू।
आपके लिए सबकी शुभकामनाएं हैं और इस फिल्म के जरिए आप और आगे बढ़ें। तो मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं जो मेरे बाप की उम्र के होते हैं और मेरे पांव हाथ लगाते हैं, सर आपको बचपन से देख रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हम लोग तो कुछ ना कुछ करके मेंटेन कर लेते हैं अपने आप को। मैं इतना कहूंगा कि आज जमाना चेंज हो गया है। हम लोग जब आए थे काफी लोग यहाँ पर, मेरे पुराने दोस्त फोटोग्राफर कहीं जर्नलिस्ट यहाँ पुराने हैं, वो जमाना कुछ और था। उस जमाने में एकदम स्टेंसिल कट सब था कि हीरो 6 फुट का होना चाहिए, 5 फुट 10 इंच का होना चाहिए, हीरो की एक बहन होनी चाहिए जिसका रेप होना चाहिए, फिर एंड में चेप होनी चाहिए, सब एक कॉमेडी होना चाहिए जो हम लोग क्या करते थे उस जमाने में। तो ये बड़ा स्टेंसिल कट बिल्कुल फार्मूला फिल्में तकरीबन बना करती थी। लेकिन अब ये जमाना आ गया है कि बहुत सारी फिल्में ऐसे हम देख रहे हैं जो फिल्म मेकर जो कहना चाहता है अपनी बात कह सकता है। तो ये जमाना बदल रहा है, ये जो फिल्म है ये उसी का प्रतीक है, आपके सामने जो आ रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये मैंने देखी तो नहीं है और मेरा इसमें एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस का रोल है, बड़ा रोल नहीं है मेरा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस तरह की फिल्म को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि राजपाल जी सामने बैठे हैं, मुश्ताक बैठे हैं, ये सब इन ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने मतलब कोशिश की है कि जो नए नए प्रयास जो लोग करना चाहते हैं वो प्रयास कर सकें और उनका काम सामने पर्दे पर आ सकें। तो जमाने की हवा बदल रही है, बदलती हवा में मेरा ये अनुरोध है कि प्रेस को, लोगों को चाहिए कि इस तरह की फिल्मों को देखें, सराहें, सपोर्ट करें ताकि वो थोड़ा आगे ये फिल्में पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे यार सही है, सभी कब लोग यहाँ पर प्लीज स्टाफ ऑल ऑफ यू, कैमरे का ढक्कन बंद है। सर आप इधर आइए, सेंटर में इधर आओ, इधर आओ, यशपाल जी के बाजू। अरे आइए आप बीच में, आइए आइए बीच में आइए, बस बस बस। अरे आओ तुम भी आओ, अरे छाती ठोक के कातल भाई एक गर्ल लड़कियों के साथ जाते हैं कि मुझे तो कुछ चेंज कर लो। चल निकल जी आप, नहीं नहीं और से जाते गए ना भाई, हम बाहर जाओ आप लिख लो, आपका पोस्टर भी है। हां चलो ठीक है सर, आप लड़कियों के साथ में सब लड़कियों के सब लग जाओ भाई, चल आइए जो सारांश है ना वो जैसा आप रूम देखा की अजय देख रहा मुझे ना, क्योंकि मैं एनएसडी पास आउट हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है 3 डायमेंशनल सिनेमा का हिस्सा होना। तो कभी कभी बहुत अच्छी कॉमर्शियल फिल्म में काम करता हूँ, कभी कभी बहुत एक अलग सेमी कॉमर्शियल काम करता हूँ, और कभी कभी ऐसा जो हमारे भारत में अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है, उस पर जब उसको कोई छूता है तो उसका भी हिस्सा होने बहुत मजा आता है। तो ये बाबू जी एक ऐसी विधा को आपके सामने दिखाती है जिसमें आप देख रहे 2016 में भी हम जहाँ पे कंप्यूटर एज जी रहे हैं वहाँ पे ये स्टोरी बिल्कुल आज की डेट की स्टोरी आपको देखने मिली कि इसी 2016 में हमारे भारत में ही ऐसे लोग भी जी रहे हैं। ओके, कहीं आपने ये भी कहा कि मैं फिल्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, फिल्म की लीड अदाकारा वो पूरी फिल्म को लेके जा रही है। एक लड़की के ऊपर इर्द गिर्द कहानी घूमती है और लड़की जो है इसका हिस्सा है और ये जो एक बिरनी समाज को रिप्रेजेंट करती है। तो हम लोग अपने अपने कैरेक्टर्स में इस विधा को सपोर्ट कर रहे हैं और उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने अपने चरित्र निभा रहे हैं इसमें। एक आप अगर सोच रहे हो कि एक इस तरीके की फिल्म है जिसमें बोलते हैं ना कि रोमांटिक फिल्म है या ये कॉमेडी फिल्म है, या ये एक बहुत अलग तरीके की
बोलते हैं एक इल्यूजन है, एक रियलिटी का इल्यूजन है जो आपको इस फिल्म के माध्यम से देखने को मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा, आप फ्रेशनेस देखने को मिलेगी। ओके, आपने ना रोमांटिक फिल्म नहीं देखी, जिस तरह के प्रोमो में जो हमने सॉन्ग्स में देखा है बड़ा रोमांटिक है, लव मेकिंग सीन भी होंगे, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। लव मेकिंग सीन इसमें हम हमेशा उस सिनेमा का हिस्सा होते हैं जिसमें कुछ ऐसा, इसमें कोई ये जो हमारा कैरेक्टर भी है वो गाँव के उस बोलते ना मोहल्ले के, जिसमें एक मोहल्ले का आज गली गली का जो प्यार देखने को शायद कभी कभी मिलता है, लेकिन आज भी गांव में प्यार चलता है, ये उसको रिप्रेजेंट है। बड़े छोटे लोग हैं ये और ये अपने तरीके से हीरोज को फॉलो करते हैं। आपको अगर उनको प्यार नहीं होता है तो वो अपने आप में हीरो नहीं देखते हैं, मुझे महसूस करते हैं हीरो ऐसा करता है इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए, उस तरीके। ओके, आखिरी सवाल आपसे, 2016 शुरुआत हो चुकी है, आधा साल गुजर चुका है और कितनी बजट पे आप काम कर रहे हैं, कितनी फिल्में आपकी पाइपलाइन अभी लगभग फिल्में अभी जो, क्योंकि 2-3 साल से लगातार कंटेंट की तलाश में थे, एक अच्छी फिल्म स्टोरी की तलाश में थे, लेकिन अब आप लोगों की दुआ से 6-7 फिल्में जो सब लीड में हैं और जो जिसमें 3 लगभग इंटरनेशनल हैं और 4 नेशनल इंटरनेशनल हैं, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हम जिस सिनेमा की इमेजिनेशन करते थे धीरे धीरे उस सिनेमा का हमें हिस्सा होने का सौभाग्य मिल रहा है। और वही पिछले सालों में कुछ लोग जब आप लोग पूछते थे कि अभी फिल्मों में क्यों नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं दिख रहे हैं, कम क्यों नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चूँकि एक एक्टर हर साल ग्रो करता है, हर साल हर डे लर्निंग डे होता है, अब जो जिसमें एक फायर फाइटर है, RSVP गार्ड है, एक नाड़ा पांडे है, एक टचवुड है, तो इस तरीके की जो फिल्में हैं जिसमें कोई फिल्म जंगल को रिप्रेजेंट करेगी तो कोई फिल्म जो है किसी अलग कल्चर को, लेकिन सब ह्यूज फिल्में हैं, बिग फिल्में हैं, और मुझे भी उसका एक मुख्य किरदार के रूप में सौभाग्य मिला है हिस्सा होने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। आपको हमेशा आपके फैन ने कॉमेडी की तरह से देखा, आपको एंजॉय किया कॉमेडी, लेकिन ये थोड़ी इमोशनल मूवी लगी, उसमें कुछ कॉमेडी देखने को मिली आपके फैन? आपने मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ देखी होगी, आपने मैं मेरी पत्नी और वो देखी होगी, आपने अंडर ट्रायल देखी होगी। हम मनोरंजन करने वाले लोग हैं, हमें कभी कभी सीरियस मनोरंजन करने का मौका मिलता है उसमें भी प्राउड फील करते हैं, और कॉमिक मनोरंजन करने का मौका मिलता है उसमें प्राउड फील करते हैं। हम अपने आप को किसी एक लाइन में कभी नहीं बांधना चाहते, और जो लोग बांधने की कोशिश करते हैं हम उसको ब्रेक करते हैं। बड़ा अच्छा प्रयास है और एक बड़ा समस्या जो हमारे देश में इस समय प्रचलित है, प्रेवलेंट है, उसमें थोड़ी योजना बनाई गई है, इस तरह से क्या होगा कुछ शहरों से या तो फुल फालतू है या उनको लाया जाता है या बेचा जाता है उनको, और वो किया कैसे एक्सपर्ट होती है समाज और उसमें जो लोग इनको एक्सपर्ट मिल रहे हैं वो इनको सेहत का भी ज़्यादा ख्याल नहीं करते, इनको जानवरों की तरह ठीक ठाक है। बहुत सारी ढेरों लड़कियाँ एक कमरे में बंद भरती रहती हैं, दूसरे काम करवाया जाता है, तो उस माहौल में बीमारियाँ भी पलती हैं। मेरा रोल एक डॉक्टर का यहाँ पर आता है और इनकी हेल्प करता है, बड़ा सुंदर सुंदर डॉक्टर है, लेकिन एक बड़ी लड़की उसका दिल कोशिश कर लिया और कैसे उसको सलाह देता है काम कर रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।